all want to be motivated all the time, and I just want to ask a simple question: why do you want to be motivated? Would you even like to reply that? Why do you want to be actually motivated? Actually, this is only which I got an issue that हम सबको पता तो है कि हम motivated रहना है, but हम सबको ये नहीं पता कि हम motivated क्यों रहे. So हम discuss करेंगे ये webinar में आगे. Till then, let's start it now. Finally, guys, time हो गया है, so we would start it away. What do you remember while you see this picture? ये पिक्चर देख के क्या याद आता है तुम सबको? कोई बताना चाहेगा ये पिक्चर देख के क्या याद आता है? आई होप स्क्रीन इज विजिबल एंड मेरे पास जो दूसरा डिवाइस है वहां पे स्क्रीन आ रही है. ओके, सो ये एक फेमस पिक्चर है, इंडियन पिक्चर अबाउट क्रिकेट गेम ऑन लगान. सो ये पिक्चर से हम क्या सीख सकते हैं? आप सबको ये पिक्चर का एक सीन तो पक्का याद होगा, जब जो इंडियन टीम होती है वो बहुत मुश्किल में होती है. लाइक जब फर्स्ट डे ऑफ द मैच होता है, एक प्लेयर होता है जो इंडियन टीम का रहकर भी इंडियन टीम की तरफ से नहीं खेलता, एक दूसरा प्लेयर होता है जो भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है, एंड इंडियन टीम लिटरली हारने पे आ गई होती है फर्स्ट डे पे. तब एट द एंड ऑफ द डे एक वर्ड बोला जाता है कि हमको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी लाइफ खत्म हो सकती है. हमको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी लाइफ खत्म हो सकती है. सो दिस इज व्हाट गिव्स यू मोटिवेशन. अगर आपको कोई चीज ऐसी जो आपको करनी ही है, सो डेफिनेटली यू वुड बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. बिकॉज अगर आपको कोई चीज करनी है, विदाउट दैट यू कांट लिव, देन वो मोटिवेशन अंदर से ऑटोमेटिकली आता है. ऐसा नहीं होगा कि आप कभी डिमोटिवेट फील करोगे या कुछ भी होगा. ओके, सो आई थिंक आई वुड बी क्लोजिंग द एडमिट लिस्ट बिकॉज टाइम इज अप एंड मेनी आर कमिंग नाउ. So, line of success. Can anyone tell me what is line of success? It is a very popular phenomena. Line of success क्या होता है? किसको पता है आप में से? Line of success क्या होता है आप में से, किसको मालूम है? Okay. So, I would share my whiteboard to let you know about that. Just a minute. Just see. I would just switch off my camera for a minute. Okay, so if this is a line, I would make it in a better way. Suppose this is a line and this is your success point. The point which I am marking now is your success point. Just a minute, I have received an important call from Piyush sir, so I can't stop that. Okay, so if this is a line of your life and this is a success point where I've written success and this is a success point, so what do you think? हम जब भी success की line पे चलते हैं तो हम कहाँ पे रुकते हैं? यानी अगर ये एक line of success है, यहाँ से हमने चलना चालू किया, यहाँ से हमने ऐसे चलना चालू किया, तो हम कहाँ पे आके हार मानते हैं? आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हम हार यहाँ पे बीच में आके मानते हैं, स्टार्टिंग में मानते हैं. बट एक फैक्ट है, 99% ऑफ अस हम लोग हार यहाँ पे एकदम एंड पे आके मानते हैं, जस्ट फ्यू सेकंड्स बिलो. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम दूर का देख नहीं पाते, हमें लगता है कि हम अनसक्सेसफुल हो गए. बट सच बात तो यह है कि सक्सेस हमसे थोड़ी ही दूरी पे थी. हम लोग यहाँ तक, हम लोग लिटरली यहाँ तक पहुंच चुके थे. एंड हम लोग जब यहाँ तक पहुंच चुके थे ये पॉइंट तक, तब हमने काम करना छोड़ दिया, जबकि हमको लगा कि सक्सेस बहुत दूर है. बट सच बात तो ये थी कि हमने ये इतना बड़ा पोर्शन, हमने इतना बड़ा पोर्शन कर लिया था ट्रैवल, हमको सिर्फ इतना और चलना था. बट क्या होता है कि हम यहाँ तक छोड़ देते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सी ह्यूमन मेंटेलिटी है कि हमने अगर बहुत देर तक कोई चीज को ट्राई किया, अगर हमने बहुत देर तक किसी चीज को ट्राई किया, तो उससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब वो चीज हो ही नहीं सकती, एंड यहाँ पे आके हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि वो वी आर क्लोज टू सक्सेस. सो आई होप यू यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस लाइन ऑफ सक्सेस. आई वुड टेक यू ऑल बैक टू दैट पीपीटी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लाइन ऑफ सक्सेस. सो हियर इज अ कोट इन फ्रंट ऑफ यू. यू कांट स्किप विद अ स्किपिंग रोप, यू कांट स्किप विद अ स्किपिंग रोप फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. दिस शोज यू कांट स्किप प्रॉब्लम्स. अगर आप कहीं पे भी, अगर आप स्किपिंग रोप, सब ने आई होप स्किपिंग रोप सब यूज करते होगे, एंड जब भी आप स्किपिंग रोप यूज करते हो, सो आप ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाते हो, थक जाते हो, एंड आप बीच में छोड़ देते हो. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्किपिंग रोप में हमको प्रॉब्लम आती है, एंड जब भी हमको प्रॉब्लम आती है, हम ज्यादा टाइम तक उससे डील नहीं कर पाते हैं. एंड क्यों हम डील नहीं कर पाते? क्योंकि हम प्रॉब्लम को स्किप कर रहे हैं. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को स्किप कर रहे हो, तो आप ज्यादा देर तक उसे डील नहीं कर पाओगे. ऐसे होता है जब हम स्किपिंग रोप यूज करते हैं. इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें 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 फास्ट, अगर हमने फास्ट स्किप किया रोप को, तो भी हम थकते हैं, जो कि हम प्रॉब्लम्स को फास्ट में नहीं छोड़ सकते. सो हमें करना क्या चाहिए? हमें स्किप नहीं करना है प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना है. बिकॉज जहां पे आपने प्रॉब्लम स्किप करना चालू कर दिया, इट वुड बी लाइक टू स्किपिंग रोप. अगर आप ज्यादा देर स्किप नहीं कर पाओगे, अगर आप ज्यादा देर स्किप करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप थक जाओगे. ऐसा ही अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स को स्किप कर रहे हो, तो आप ज्यादा देर प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं कर पाओगे, थक जाओगे. एंड थकने के बाद हम सबको पता है कि क्या होता है, हम नहीं कर पाते फेस. सो यू शुड नेवर
skip any problem. If you can make note of this, then it would be better for you, but you can even listen it properly. Moving towards the next thing, हम सबने बचपन से सुना है कि बी सीरियस बी सीरियस. हम सब बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि यू हैव टू बी सीरियस यू हैव टू बी सीरियस. पर सच बात ये है कि आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सिंसियर होना है. हम सीरियस के पेशेंट को कब बोलते हैं? जब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में होता है. हम तभी एक पर्सन को सीरियस बोलते हैं. सो आप सबको सीरियस नहीं होना है, आप सबको सिंसियर बनना है. लाइफ में कोई सीरियस आदमी आगे नहीं जाता, लाइफ में से सिंसियर लोग ही आगे जाते हैं. अगर आपको सीरियस होना है तो देन इट वुड नॉट बी अ राइट थिंग. हम सीरियस कब बोलते हैं? अगर किसी को बहुत कोई मेडिकल इश्यूज हो आईसीयू में, इसलिए आपसे किसी को भी सीरियस नहीं बनना, आपको सिंसियर बनना है सबको. I hope you got this difference between sincere and serious. Okay? Any doubts on this? Okay. Serious. I want to know difference between serious and sincere. Okay, sure. कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक दिन में इतना बड़ा टारगेट बना दिया हो कि आप वो अचीव ही ना कर पाए हो? सर. ऐसा सबके साथ होता है, बहुत बार होता है, राइट? तो वो क्यों नहीं हो पाता है? हाँ, वो क्यों नहीं कर पाते अचीव? क्योंकि हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि यार कैसे होगा, इतना सारा बाकी है. आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी, इतना सारा बाकी है, हम कैसे कंप्लीट करें? हम ये सोचने में वो पूरा दिन निकाल देते हैं. बट सच बात क्या है? क्या हमें इतना सोचना चाहिए? अगर आप सिंसियर हो, सो आप यू वुड जस्ट टेक स्टेप्स. आप एक एक स्टेप जाओगे टू द सक्सेस. एंड अगर आप सिंसियर हो तो वो स्टेप्स लेने से पहले ये नहीं सोचोगे कि आपको पहुंचना कहाँ है. जहां आपने सोच लिया आपको पहुंचना कहाँ है और पूरा टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, आप सीरियस हो, आप सिंसियर नहीं हो. एंड मोर ओवर, हम सबको बचपन से इंडियन मेंटालिटी होती है कि हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि सीरियस लो, अगर एग्जाम के दिन में तो खेलने मत जाओ, अगर एग्जाम के दिन में तो ये मत करो. आई एग्री कि एग्जाम के दिन में खेलने नहीं जाना चाहिए, आई ऑल्सो एग्री ऑन दैट. बट सच बात तो ये है, रिसर्च कहती है कि अगर आप दिन में 15-20 मिनट कुछ खेल लो, फ्रेंड से बात कर लो, तो आपके बाकी 23.5 आवर्स इफेक्टिव हो जाते हैं. सो कोई भी सिंसियर आदमी अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचेगा नहीं. हम सबने एक चीज सुनी होती है, आपने से आई डोंट नो सुना है कि नहीं, बट एक चीज हम सबने सुनी होती है, राइट? कि बेटा जब खेल रहे हो तो खेलने पर ध्यान दो, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने पर ध्यान दो. सुना है ये? आई होप सुना ही होगा. सुना है? यस, आपने सुना है. इसका मतलब क्या होता है? आपको वही तो वहां पे वही तो पॉइंट आता है कि जब आप खेल रहे हो तब आप पढ़ाई के बारे में सीरियस मत रहो, आप सिंसियर बनो. सो दिस इज माय पॉइंट कि सीरियस रहकर पूरा टाइम उसके पीछे नहीं सर नहीं रहना है. आपको सिंसियर रहना है, आपको जितना आपने प्लान किया वो खत्म करना है, बट टारगेट्स के बारे में अचीवमेंट के बारे में नहीं सोचना है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सीरियस एंड सिंसियर. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. वाज इट क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट थिंग, सो हियर इज वन मोर थिंग. हम सबको बोला जाता है कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, बट आज तक किसी ने सोचा इनका डिफरेंस क्या है? सॉरी अगर मैं किसको म्यूट कर रहा हूँ बीच में, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके आवाज इको हो रही है, तो बुरा मत मानना. ओके, सो आप सबने सुना है कि कॉन्फिडेंट रहो बट ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, इसका डिफरेंस कितने लोगों को मालूम है? कोई भी एक जना बता सकता है डिफरेंस? आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट. एनीवन फ्रॉम देयर? कॉन्फिडेंस का मतलब कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. बहुत सही. इट रियली मेड मी फील ग्रेट दैट आपने एक तो आंसर किया एंड आपको बहुत अच्छे तक पहुंचा मीनिंग. आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छे है जो कि आपने पढ़ के एकदम से इंटरप्रेट कर लिया. सो मैं यही बोलना चाहता था, अगर आपको ये लगता है कि आप कर सकते हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो. अगर मैं यहाँ पे आके आपके सामने ये वेबिनार कर पा रहा हूँ तो दैट्स बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट. बट मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आपके से कोई भी जना ही कर सकता है. सो अगर जिस मोमेंट पे आपने जिस मोमेंट पे आपने ये सोचना चालू किया कि मेरे को ही करना है, वहां पे दो चीज होती है. एक तो आप सेल्फिश बन जाते हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं करते हो, एंड सेकंड चीज ये कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो. हमको हम इंडियन से हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि एक दूसरे के हेल्प करते हुए चलो, बट सबसे बुरी चीज ये है कि हम ये चीज को भूल चुके हैं. आज भी अगर हमको कोई कोई चीज के लिए हेल्प मांगते हैं तो हम सीरियसली भूल चुके हैं ये चीज. एंड ये मेरे को सही में बहुत बुरा फील कराती है कि हम इंडियन से हमने सीखा है बचपन से कि हम दूसरों को हेल्प करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ हेल्पिंग हम सब नहीं करते. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इशू. आगे से आप कभी भी यही बोलूंगी कि मैं कर सकता हूँ, कभी ये नहीं बोलूंगे कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ. आई होप दिस वॉज अ नाइस कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सबको मजा आ रहा है ना? किसको बोल तो नहीं हो रहा? था. So, जहां पे आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव है, जहां पे आप सही चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, then definitely everything is impossible. But यहां पे अपने कुछ बोलना है कोई? Okay. So, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो definitely nothing is impossible. And अगर आपको कोई भी बोलता है कि ये, अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, then the biggest reason is that वो नहीं कर सकता. वो क्यों बोल रहे हैं आपको कि आप नहीं कर सकते? Because वो खुद नहीं कर पाया था. So, I hope this would answer. आप सबको पता है आप जब ड्रेस होने जाते हो, एक सेकंड स्लाइड हटा देता हूं. आप सबको पता है कि आपके ड्रेसिंग मटेरियल का सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है? आप जब कोई भी चीज अपने कपड़ों की वर्डरोब की शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे महंगी चीज क्या होती है?
कोई कैंसिल कर सकता है व्हाट नो आई वांट नॉट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एजेस लाइक आप अगर आप ही शॉपिंग करने गए तो मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं आपकी टी शर्ट पैंट सॉक्स या शूज इसमें से सबसे कॉस्टली क्या होता है शूज शूज होता है ना आप किसी को ये रीजन मालूम है कि शूज क्यों कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए करेक्ट शू सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड अगर शू खराब रहा तो आपके पूरे बॉडी में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम जा सकती है अगर शू खराब रहा तो आपके आपके नीज जल्दी खराब होंगे अगर शू खराब रहा तो आपके पूरे बॉडी को पेन हो सकता है ना सो वो शू का डिफरेंस होता है करेक्ट सो लाइक दैट ओनली शू सबसे कॉस्टली होता है जो प्रेशर हैंडल करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो एंड आप कोई कंपनी के लिए किसी के लिए एसेट हो तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ये एग्जांपल रिलेटेबल लगा क्या सही में बताओ आपको ऐसा फील नहीं होता कि लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पाता है एंड वो जो एसेट है अपनी कंपनी के लिए अपनी कंट्री के लिए वो ही सबसे कॉस्टली होता है उसकी अगर अगर कोई प्रोफेशनल है कोई इंजीनियर है तो सब इंजीनियर को सेम सैलरी नहीं मिलती ना सिर्फ कुछ को ही मिलती वो किनको मिलती है जो सही में उनकी कंपनी के एसेट है अगर तुम्हें कंपनी की मशीन का एक पार्ट बनना है तो वो पार्ट बनो जो इजिली रिप्लेस ना हो पाए अगर इफ यू आर इजिली रिप्लेसेबल अगर आप जल्दी से डर जाते हो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो तो कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री आप सब तो नेक्स्ट कंट्रीज के लीडर्स हो इन फ्यू ईयर्स यू वुड बी द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री एंड कंट्री को ऐसे लीडर्स जो प्रेशर हैंडल कर पाए मैं पॉलिटिक्स की बातें कभी करता नहीं लेकिन एक एग्जांपल कि आज हम सब देखते हैं कि जब भी यहाँ पे हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो वी सी दैट अवर होल गवर्नमेंट इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर आपको ऐसा नहीं होता कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर बट वाई इंडिया इज टिल नाउ आई वुड से इंडिया इज गोइंग वेरी गुड एंड वी फाइट अगेंस्ट इट सो क्यों बिकॉज हमारी गवर्नमेंट प्रेशर हैंडल कर पा रही है तो जहां पे जो इंसान प्रेशर हैंडल कर पाता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ये फैक्ट है ओके सो अब मैं एक बात शेयर करूंगा ध्यान से सुनना जैसे मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता आई होप दिस इज व्हाइट बोर्ड यस ओके लेट मी क्लियर ऑल दिस एंड प्लीज आप में से कोई भी कुछ ड्रॉ मत कीजिएगा मेरे को क्लियर करने में प्रॉब्लम जाती है ओके आई वुड जस्ट राइट समथिंग हियर जस्ट पे अटेंशन जस्ट रीड इट विद मी जैसे मैं लिख रहा हूं आप में से कोई उसको बोलिए भी मजा आएगा इफ यू वांट पूरा लिखने से पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होगी आपने जितने से भी आज तक सुना होगा सब आपको ये बात तो बताते हैं इफ यू वांट यू कैन ये आपने बहुत बार सुना होगा बट मैं इसके आगे की एक बात बताना चाहूंगा आपको तो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी एंड प्रैक्टिकली वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं से तो बैकग्राउंड आवाज आ रहा था मैं एक बार सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होगी और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट यू कैन इफ यू कैन देन यू अब आप में से कोई ना कोई बोलेगा कि क्या फर्क था इतनी सी बात के लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया एक बात बताओ आप में से कौन कौन नहीं चाहता दिन में 20 घंटे पढ़ाई करना कौन कौन ऐसा है जो नहीं चाहता 20 घंटे बहुत अनरियलिस्टिक हो गया सॉरी फॉर दैट भावना में बह गया था मैं बट ठीक है 12-13 घंटे कौन नहीं चाहता कि दिन में अच्छा आउटपुट निकाले सब चाहते हैं बट सब कर क्यों नहीं पाते बिकॉज यू डोंट दे डोंट टेक स्टेप्स ऑन इट एक बार आपने किसी चीज के लिए स्टेप लेना चालू कर दिया एक और फिनोमेना बताता हूँ इससे रिलेटेड है मैंने भी बहुत सारे रीडिंग्स करके फिनोमेना गैदर किया था 21 डेज रूल होता है किसको मालूम है आई थिंक मेरी आवाज क्रैक हो रही है सो मैं काम करता हूँ मैं वीडियो 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ओके सो 21 डेज फिनोमेना किसको पता है हाँ पता है नो सर हाँ पता है बोलिए ना अगर कोई चीज हम 21 डेज लगातार करते तो हमारी हैबिट बन जाती है ये बात आपको पता है हाँ यस सर आप दिन में रोज 21 डेज तक 12 घंटे पढ़े हो आज तक नहीं नहीं नो सर Okay, so actually our time is up for the meeting. So we would end this meeting just by saying one line. Do follow this phenomenon. If you want, you can. And then tension na lijiye hum wapis aayenge aise meetings ke saath. And if you want, then do let me know. Abhi thodi der mein wapis aate hain. So thank you. I hope this works and it would really help. Would have helped you. Time ho gaya Zoom meeting ka. Isse zyada hum exit nahi kar sakte meeting. So thank you. I know some questions only, but ab theek hai. Main aapko turant ek new meeting ID banake share karta hu. Aap sab join lijiye. Theek hai. Thank you. Yes sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर आप में से किसी को भी आप में से किसी को भी तुरंत क्वेश्चन आंसर राउंड में आने तो पूछ सकते हो भी क्विक क्वेश्चन से एक दो 21 डेज कांसेप्ट बता दीजिए हां ठीक है मैं 21 डेज कांसेप्ट एंड कर ही देता हूं हमारे पास है 7-8 मिनट थे हमारे पास सो वी वुड कंक्लूड 20 डेज फिनोमेना ये 21 डेज फिनोमेना ये है कि अगर कोई भी चीज को लगातार 21 डेज तक करो अगर कोई भी चीज को एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन या हिस्ट्री के लिए कौन से राइटर की बुक आप बता दीजिए हमें आई वुड पीयूष सर टू आंसर दिस बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी मच इनटू दैट अगर मैंने कोई बुक सजेस्ट कर दिया ना हेल्पफुल ना रही तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा सो पीयूष सर वुड यू आंसर हिस्ट्री व्हिच बुक मींस मॉडर्न का पार्ट बोल रहे हैं मेडिकल का पार्ट माइल्स वेफर स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया
ओ सर भैया इसका आप इसे नाम बता दीजिए एक बार. राइटर नेम, राइटर नेम राजीव अहिर. राजीव अहिर हाँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि मॉडर्न इंडेक्स. ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम आर, आप में से ज्यादातर लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से हैं? ज्यादातर लोग व्हाट्सएप से हैं, ज्यादातर व्हाट्सएप से भी हैं, व्हाट्सएप से. ओके सो टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर दूंगा कि कौन सी बुक. और कोई डाउट हो किसी की सिविल सर्विसेज से रिलेटेड? बेसिकली आज का जो बेसिकली आज का जो सेशन है वो कुणाल जी का मोटिवेशन सेशन है, तो फोकस ऑन दैट. ठीक, तो ऑनलाइन क्लास ऐसी चलेगी? मैं एक सेकंड, ऑनलाइन क्लासेस विल कंटिन्यू नेक्स्ट. कुणाल जी यू मे कंटिन्यू. करते हो तो आपके एक रूटीन बन जाता है ना, उसके आगे भी उसको इजिली कंटिन्यू कर पाते हो. सो एज आई सेड, अब मैंने आपको ये बात बता तो दी है, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली, बट इफ यू कैन देन यू शुड. आज से वर्क कीजिए, 21 डेज का शेड्यूल बनाइए एंड मेक श्योर आप 21 डेज फॉलो करते हो. हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बाकी है, सो इफ एनी वन पर्सन वुड पुट अ क्विक क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन सर. इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन वी वुड कंक्लूड दिस सेशन. हेलो सर. या या हेलो सर. हम मतलब मन में तो लगता है हम स्टडी करें 12-12 तास, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आ जाता है कि मतलब मन भटक जाता है, तो क्या करें सर? हाँ, पहली बात तो सच को एक्सेप्ट करो कि इन द 21st सेंचुरी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो. पहले तो ये सच को हमको एक्सेप्ट करना है. हर एक की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन आनी है बिकॉज वी आर इन 21st सेंचुरी. क्या नहीं है हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए? लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि आप सब चाहते हो, ये सबसे बड़ी चीज है. आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप नहीं कर सकते हो. एक बार नहीं बोलना सीखो. चीजों को नहीं बोलना भी जरूरी होता है. लाइक अगर आपको किसी फ्रेंड का कॉल आया तो आपको उसको नहीं बोलना भी सीखना पड़ेगा. ये नहीं वर्ड हम सब ऐसा बोलते हैं कि रूड हो जाएगा, बट ये नहीं वर्ड ही आपको सबसे आगे लेके जाएगा. जो इंसान सही टाइम पे नहीं बोल पाता है, ही ग्रोज रियली वेल. जहां आपने नहीं बोलना शुरू किया चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को, वहां पे आप आगे बढ़ोगे. सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं बोलने की आदत डालो. नहीं बोलना चालू तो करो, बहुत अच्छा लगता है. यानी कोई भी हम जो जब भी कोई हमको कोई काम बोलता है तो हम नहीं बोल देते तो कितना अच्छा लगता है ना, आप काम नहीं करना पड़ेगा. वैसा ही है, आप डिस्ट्रैक्शंस को एक बार नहीं बोल के तो देखो. 10 मिनट बहुत दर्द होगा कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो सिर्फ 10 मिनट ही होगा. कुछ लोगों को बोलते हुए सुना की एक साथ 12 घंटे पढ़ के खत्म कर लो फिर एंजॉय करेंगे, बट मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता. बट या इट डिपेंड्स, इट श्योरली डिपेंड्स. अगर ऐसा हो रहा है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत पीछे छूट रहा है बाकी सब सब्जेक्ट करने के लिए, सो ऐसा मत कीजिए. बट हाँ, अगर आपकी सब कोचिंग्स डन है, अच्छे से कर रहे हो, आपका एम्पल ऑफ टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट वन सब्जेक्ट इन अ गो कीजिए. एंड जरा सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट की रिविजन के लिए रोज आधा घंटा दीजिए. एंड फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा उठाना है? सबसे डिफिकल्ट वाला. जो सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता हो मैथ्स. नहीं, मैथ्स आप पूरा दिन नहीं कर पाओगे. मैथ्स के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि दिन भर वो कीजिए, बिकॉज माइंड थक जाता है. बट या हाफ आवर, हाफ दिन मैथ्स, हाफ दिन कुछ और, ऐसा यू कैन मैनेज इट प्रॉपरली. एनी अदर डाउट्स टू गो? सर, व्हाट वुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द एब्सोल्यूट बिगनर्स? फॉर द एब्सोल्यूट बिगनर्स
फेल बिगिनर्स हाफ डन, ये कितनों ने सुना है? The first thing you have to do is to begin. हाँ, आप बोल रहे हो just beginners, तो आपने begin तो कर दिया, and that's the most best thing for you कि आपने actually start कर दिया. Now आगे कैसे बढ़ना? एक मिनट में mute. हाँ, okay. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आगे कैसे बढ़ना है, करेक्ट? सो दिमाग से ये सब निकाल दीजिए कि बाकी सब में से आगे बढ़ रहे, जहां आपने दूसरों से कॉम्पीट करना चालू किया आप खुद को लो फील करने लगोगे. आपने अभी भी स्टार्ट किया, कोई बुराई नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट जहां आपने सोचा कि वो में से ऑलरेडी आगे है, आप खुद लो फील करना चालू कर दोगे. आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वो हमसे आगे है, वो हमसे थोड़ा है. अगर आप खुद से कॉम्पीट करना चालू कर दो और आप खुद की ही बातें, यानी बस आपके लिए और कोई होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, यानी बस आप हो, आपका काम है, बस कंटिन्यू बिगिन करना. सबसे बेस्ट चीज तो ये कि आपने बिगिन कर दिया है, सो बी प्राउड ऑफ यूर सेल्फ. एंड सेकेंड चीज ये कि आप दूसरों को भूल जाओ, आप खुद के लिए शेड्यूल्स बनाओ एंड फॉलो करते चलो, हो जाएगा. डर जहां पे आपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस खोया वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी. खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस कभी मत खोना. आई होप दैट आंसर्स. Yes, sir, we got your point. Thank you. Anyone? और सर हमें जैसे पढ़ाई स्टार्ट करना है. प्लीज वन एट अ टाइम, मेरे को दोनों की आवाज सुनाई नहीं दी, सॉरी. हाँ हेलो सर, मैं बोलूँ पहले? हाँ हाँ बोलिए. हाँ सर, हमें एक प्रॉपर बुक लिस्ट जो है रेफरेंस बुक, वो अगर मिल जाती तो अच्छा हो जाता सर. प्रवृति मैम डेप्यूटी एसपी हैं और कुछ लोग और हैं जिनसे मैं कॉन्टेक्ट में हूँ. संजय जी हैं, ही इज दैनिप्स 2015 बैच. सो ऑल विल बी टेकिंग सेशंस, बट आप लोगों को डिटरमाइंड होना पड़ेगा उसके लिए, एंड यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल. Then only we can start the new initiatives. किसी को अभी और कोई doubt है? कोई तो भी बोल रहा था. किसी ने तो मैं message किया how to read newspaper, मेरे दिमाग में है वो, I would answer. तब तक कोई और कुछ पूछ रहा है? Hello sir. हाँ हाँ बोलिए. Sir first किससे study कर लाए आप, वो एक थोड़ा आगे बताइए, idea बताइए. किससे? पढ़ाएगा किसे शुरू करना आप बताइए यार. हाँ, मैं दो पॉइंट्स पे इसका, या ओके, मैं दो पॉइंट्स पे इसका रिप्लाई देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, इफ यू जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई, होगा. एंड सेकंड चीज मैं आंसर करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके साथ आप पढ़ाई नहीं कर पाओ, इसका अगर आप एक ब्रीफ रीजन दे पाओगे, अगर एक पर्टिकुलर रीजन दे पाओगे तो आई वुड बी एबल टू हेल्प यू बेटर. सर थैंक यू. If you have any particular reason which is stopping you from studying, then let me know that reason. Okay, sir. Mobile se kaise dur hai? Mobile? Mobile se dur kaise rahe? Sir, I have a question. Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि 21 डेज का हम जो है एक 21 डेज लेते किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, तो उसमें जैसे कि हमारा मोस्ट ऑफ द काम हमारा जो है फोन से होता है, तो उस टाइम हम लोग उस डिस्ट्रक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर स्टडी, मतलब स्टडी करते हैं तो हमें फोन को, तो मोस्ट ऑफ द काम हमारा आजकल वैसे ही होता है फोन से, तो वहाँ अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखें? I was just about to answer this. पहले मैं न्यूज़पेपर वाला पॉइंट आंसर कर देता हूँ, बिकॉज अभी अभी किसी ने पूछा था एंड ही वुड बी वेटिंग. सो न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक हैबिट है. हैबिट डाल के तो देखो. मैं हर बात का आंसर वही दे रहा हूँ कितनी देर से, कि शुरुआत करके तो देखो. सच बात तो ये, आपने कभी शुरू नहीं किया न्यूज़पेपर. हाँ बोलिए. ओके लेट मी म्यूट. म्यूट कर लो जो भी है. हाँ हाँ, I've done. ओके. हाँ, अब आंसर मोबाइल. ये फैक्ट है कि आपका मैक्सिमम का मोबाइल से होता है. अगर आप मेरे को भी सुन पा रहे हो तो भी मोबाइल से हो रहा है.
एंड कभी भी अगर कोई जना आपको एड अप कर रहा है लाइफ में तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है. सो मोबाइल के लिए तो हम सब थैंकफुल है. अगर लॉकडाउन में मोबाइल नहीं होता तो शायद लिटरली हम कुछ कर ही नहीं पाते. डेफिनेटली यस. सो पहली बात तो ग्रेटिट्यूड रहना है. सेकेंड चीज मोबाइल से दूर कैसे रहे. मोबाइल में आपको किस चीजों से दूर रहना है पहले वो एनालाइज कीजिए. आपको आप आई एस के व्हाट्सएप ग्रुप से दूर नहीं रहना है बिकॉज इट वुड बी अ बिग लॉस फॉर यू राइट. अगर आपने सोचा कि मैं मोबाइल बंद कर देता हूं तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके बहुत सारे काम मोबाइल पे होते हैं राइट. सो कुणाल जी एक और बात है. हेलो हाँ बोलिए ना. लोगों के लिए जो है हम लोग दिल्ली की जो टॉप मोस्ट नॉच फैकल्टीज हैं उनसे हम लोग डेली की वीडियोस करंट अफेयर्स और उसकी तैयार करवाते हैं बट इनमें से मुश्किल से दो मतलब 30 लोग जो ये सेशन में हैं वो भी शायद उसे नहीं देखते हैं जो कि मतलब इनके प्रीलिम्स चाहे मेंस चाहे इंटरव्यू सभी के रिगार्डिंग जो है सबसे बेस्ट वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में जो हम लोग ला रहे हैं. बट इन लोगों को यह है कि जहाँ पर चीज़ें सही जाने वाली होंगी उस डायरेक्शन में ये नहीं जाएंगे बट ये जाएंगे और जगह से. इनको ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जहाँ भी ये जुड़े हैं इनको बस पीडीएफ इकट्ठा हो जाए बस उसी से ये पढ़ाई करेंगे बट एक्चुअल में ये होता है ये मटेरियल इकट्ठा करते रह जाते हैं और ये पढ़ नहीं पाते हैं. आई वुड क्लब दैट टू क्वेश्चंस टुगेदर. आपने दो बहुत अच्छे पॉइंट पुट किए. थैंक यू पीयूष सर. हाँ तो पहला क्वेश्चन सर ने ये बोला कि आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो. सी अभी अभी किसी ने बोला मोबाइल से दूर कैसे रहे. सच बात तो ये है कि आपको मोबाइल से दूर नहीं रहना है. आपको मोबाइल के अंदर की गलत चीजों से दूर रहना है. अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो अगर आप ग्रुप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सो मोबाइल इज एन एसेट फॉर यू. मैं अगर किसी को बीच में मीटिंग के म्यूट कर रहा हूँ तो प्लीज बुरा मत मानिएगा. दैट्स बिकॉज बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही है. हाँ तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको मोबाइल यूज नहीं करनी. बात ये है कि आप मोबाइल सही से यूज नहीं कर पा रहे हो. जैसे अभी सर ने बताया सर की वीडियो आती है यूट्यूब पे आप क्यों नहीं देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है. आपको देखनी चाहिए. तो सच बात तो ये कि आपको मोबाइल से दूर नहीं रहना है. आपको मोबाइल की गलत चीजों से दूर रहना है. अब सर की बात ये कि आप मटेरियल इकट्ठा करने लग जाते हो एंड पढ़ते नहीं हो. गाइस ये सबके साथ होता है नहीं होना चाहिए. आपने अब तक जितनी चीजें कलेक्ट की है अगर आप उतनी ही ना कर पाओ तो और चीजें शेयर करने का फायदा ही क्या. मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ अपना उससे मैं आपको एक चीज बताता हूँ. अगर आपके पास इतनी चीजें कलेक्टेड है अगर आपके पास इतनी चीजें करने को अगर आप उसमें से कुछ थोड़ी सी चीजें कर पा रहे हो. आई होप मेरी आवाज तो भी आ रही होगी. यस आ रही है. सो अगर आपके पास करने के लिए इतनी चीजें है और आपने डन से इतनी चीजें की है तो आप ही बताइए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं. प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर. सीरियसली प्रेशर बढ़ेगा. फिर आप फिर से कंप्लेन करोगे आप में से कोई ना कोई कि हमारे पर बहुत प्रेशर है. अगर आपने सोचा कि मैं पहले इतना अगर आपने दो चीजों को साइड बाय कर दिया पहले आपने सोचा कि मैं यही कंप्लीट करूंगा देन मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा तो आपकी ये चीज भी एफिशिएंटली होगी. तो पीयूष सर ने एक बहुत सही पॉइंट आगे लाया कि आपको नोट्स इकट्ठा नहीं करने. आपने जितने इकट्ठा किए पहले उनको पढ़ के खत्म करो. जहां पे आपने उनको पढ़ के खत्म कर दिया आपके 99.9% प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व होगी क्योंकि आपका कंसंट्रेशन आपका कंसेप्ट आपके डिटर्मिनेशन आपका क्या बोल सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होगा. सो राइट कुणाल जी मुझे लगता है मीटिंग का सेशन का टाइम. यस सर एक्चुअली टाइम हो गया है लास्ट 1 मिनट टू गो. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस. पीयूष सर इफ यू वांट टू गिव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स देन आई वुड बी हैप्पी. तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ क्योंकि सेशन जो था बेसिकली मोटिवेशनल था तो मोटिवेशनल लाइन कुछ ऐसी थी जो दैट आई हैव रेड इन माय ग्रेजुएशन ईयर्स कि मिलेगी राही को मंजिल ये उनके पंख बोलते हैं खामोश रहते हैं कुछ लोग और उनके हुनर बोलते हैं. और सेकंडली मैं ये कहूँगा कि यू शुड बी फोकस्ड टूवर्ड योर ड्रीम क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनू सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है. सो ऑल ऑफ यू गाइस यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर ड्रीम और ड्रीम के लिए आपको कंसर्न अगर आप लोग हैं तो जो भी सेशंस हम लोग ला रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल और हाईली टॉप नॉच फैकल्टीज के जरिए हम लाते हैं.
सो यू हैव टू वॉच देम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के और चैनल्स की तरह खाली व्यूज़ के लिए आपके लिए वो ला के आपके लिए रख देते हैं. सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डिलीवर्ड, वो या तो बंदा इंटरव्यू फेस किया हो या फिर खुद जो है तीन चार बार मेंस लिख के आया होगा. सो दैट थिंग इज़ मीन्स कि आपको जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, सो यू शुड ऑल्सो मीन्स उसको शेयर करना उसको, क्योंकि और लोगों तक पहुंचाना ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है. और कोई भी अगर ऐसा बच्चा और मिलता है जो कि मतलब ही इज़ फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड एंड ही कांट प्रिपेयर, प्लीज़ उनको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, वी विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट. सो आई थिंक वी शुड एंड अप द सेशन नाउ. यस सर, कैन आई कंक्लूड विद अ लाइन? या यू कैन कंक्लूड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बस एक लाइन बोल के खत्म करूंगा, वापस वही लाइन अभी दो लोगों ने रेनाइज किया, बट सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है. इफ यू वांट यू कैन, इफ यू कैन यू शुड, ये लाइंस के साथ आगे बढ़िए, आज ही घर जाइए, आज ही शेड्यूल बनाइए 21 डेज का, एंड प्लीज कीजिए. वी वुड मीट अगेन सून. थैंक यू पीयूष सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड आपकी जो लाइन्स थी वो सुन के मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिला है. सो या अब मैं भी अपना काम और मोटिवेशन से करूंगा. थैंक यू पीयूष सर. Thank you, Kunal, for giving this meaningful session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Kunal, sir. Thank you. I'm happy to see all of you together and your responses, actually.